प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स के आठवें क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के इकाई के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस की इकाई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यूनिट, जैसे कोई चीज हम लोग तोलते हैं कितना ग्राम है कितना किलो है, कोई जमीन हम लोग मापते हैं, कोई कपड़ा मापते हैं तो उसको सेंटीमीटर में इंच में मीटर में मापते हैं, हम लोग तेल मापते हैं पेट्रोल मापते हैं दूध मापते हैं तो उसको लीटर में मापते हैं। इसी तरह दुनिया की कोई भी चीज़ है उसको मापने के लिए एक इकाई निश्चित की गई है, तो रेसिस्टेंस के लिए भी एक SI यूनिट निश्चित किया गया है जो दुनिया भर में वैलिड है। तो रेजिस्टेंस की इकाई के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस की इकाई ओम, इस तरह से लिखेंगे, आपको देखिए इस तरह से लिखेंगे ओम, इसको पढ़ेंगे ओम, या ई लिखते हैं ई को भी हम लोग ओम ही पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। तो ओम या ओम ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, सिंबल हम लोग ओम जनरली ऐसे ही लिखते हैं। तो ओम हो गया, उसके बाद किलो ओम, इसको किए ई भी लिख सकते हैं, किलो ओम हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे और किलो ओम इस तरह से लिखेंगे, ओम किलो ओम। उसके बाद आइए मेगा ओम, मेगा ओम को हम लोग सिंपली एम भी लिख सकते हैं, मेगा ओम इंग्लिश में इस तरह से मेगा ओम पढ़ेंगे। तो ओम किलो ओम मेगा ओम, अब कितने ओम का एक किलो ओम होगा, तो 1000 किलो ओम बराबर 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम। जब 1000 ओम हो जाएगा तो 1 किलो ओम उसको हम लोग कहेंगे। उसी तरह 1 किलो ओम 2 किलो ओम 10 किलो ओम, इस तरह से करते करते जब 1000 किलो ओम हो जाए तो उसको हम लोग 1 मेगा ओम बोलेंगे। ये बहुत हाई मान का रेजिस्टेंस हो गया, इसका 1000 नहीं किया जाता है, इतने ही पर इसको छोड़ दिया जाता है। 1 मेगा ओम 2.2 मेगा ओम, ये सब बहुत हाई मान का रेजिस्टेंस होता है, कहीं कहीं यूज होता है, क्योंकि अगर प्रतिरोध ज़्यादा लगाइएगा तो फिर आगे एक भी वोल्टेज नहीं जाएगा, फिर आपका वर्क नहीं होगा। इसलिए जितने ही मान का रेसिस्टेंस जरूरत हो उतने ही मान का रेसिस्टेंस हम लोग लगाते हैं। तो जहाँ पर ओम में रेसिस्टेंस होता है वहाँ पर हम लोग ओम देखकर उसका लगाते हैं, किलो ओम में होगा तो किलो ओम में रेसिस्टेंस लगाएंगे, मेगा ओम में कहीं कहीं दिखाई देता है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में मेगा ओम का रेसिस्टेंस नहीं होता, बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट में मेगा ओम का रेसिस्टेंस लगता है जहाँ ज़्यादा वोल्टेज होता है, ठीक है। जो मोबाइल है 5 वोल्ट पर ऑपरेट है, ड्रोन वगैरह 5 से 12 वोल्ट पर ऑपरेट है, उसमें जनरली ओम में ही रेसिस्टेंस होता है, जो आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का मान उस पर लिखा होता है, लेकिन इसमें भी जरा सा चक्कर है, कार्बन रेसिस्टेंस जो होता है उस पर मान नहीं लिखा होता, उस पर कलर होता है। जैसे ये अगर कार्बन रेसिस्टेंस है तो इस पर आपका इस तरह से रंगों की पट्टियां बनी होती है, ठीक है, रंगों की 3-4 पट्टियां बनी हुई आपको रंगों की पट्टियां दिखाई देगी, और इन्हीं रंगों की पट्टियों के आधार पर इसका मान निकाला जाता है। तो उसका कलर कोड टेबल होता है, जो टेबल आपको बताया जा रहा है उसके आधार पर आप लोग कार्बन रेजिस्टेंस का मान निकालिएगा। ये इसलिए किया जाता है कि कार्बन रेजिस्टेंस बहुत छोटे होते हैं, उसके अलावा ये गर्म भी होते हैं, तो अगर उन पर लिख दिया जाता है तो गर्म होकर वो मिल जाने का खतरा रहता है, और बहुत छोटे होने के कारण उसको पढ़ पाना भी मुश्किल होता है। इसलिए रंगों की पट्टियाँ दे दी गई होती है और हर रंग का अलग अलग मान होता है, आप लोग देख कर रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद जब वार राउंड रेजिस्टेंस है जो आपको बताया, इस तरह का रेजिस्टेंस जो आपने पिछले क्लास में देखा था, तो वार राउंड अगर रेजिस्टेंस है तो इस पर पर्याप्त जगह होता है और इस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके अलावा इस पर लिखा रहता है, ये ऊपर से सीमेंट का लेयर रहता है, जितना मान का रेजिस्टेंस होगा उतना मान इस पर लिखा हुआ रहता है, ये वायर ऊपर से दिखाया नहीं देता है, ठीक है, ये सब वायर अंदर होता है। अगर उस रेजिस्टेंस को आप देखिएगा तो ये रेजिस्टेंस आपको ऊपर से इस तरह से दिखेगा, बीच में ये नली आर पर आपको नजर आएगा, और यहाँ से आपको टाइम इसका निकला हुआ रहेगा, और इसी पर इसका
मान अगर 10 किलो ओम है तो 10 किलो ओम जितना मान होगा उतना मान इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो ये वायर ऑन रेजिस्टेंस है, इसमें क्लियर दिखाई देता है। उसी तरह अगर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो लीनियर है, तो लीनियर पर भी आपको मान यहाँ पर लिखा रहेगा। लॉग है तो लॉग पर भी मान लिखा रहता है, क्लियर दिखाई देता है। तो सिर्फ कार्बन रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों को कलर कोड टेबल की आवश्यकता पड़ती है, जो आप लोगों को आगे बताया जाएगा। अभी आप ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस का ये यूनिट होता है, इसको याद कर लीजिए, 1000 ओम, 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, और 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम होता है। ठीक है, समझते चलिए, ध्यान से पढ़ते चलिए। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको माइनर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है, और उतना ही बताया जा रहा है जितना एक टेक्नीशियन को जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसको कोई बहुत बड़ा थ्योरी के तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, ये उतना ही जानकारी दी जाएगी जितनी आपको प्रैक्टिकल में जरूरत पड़ती है। तो ध्यान से समझते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।